दोस्तों अक्षय कुमार किस तरह के अभिनेता हैं ये तो हम सभी जानते हैं। बॉलीवुड में अगर कोई एक्टर है जो कभी ब्रेक नहीं लेता तो वो है अक्षय कुमार। साल भर में ढेरों फिल्में करने वाले अक्षय के पास प्रोजेक्ट्स की हमेशा भरमार रहती है, इसलिए अपनी फिल्म्स के सफल या असफल होने की खुशी या गम ज्यादा देर तक ना रखकर वो तुरंत अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी लिस्ट में अब कठपुतली का नाम भी जुड़ गया है। अरे नहीं नहीं, अक्षय कुमार गांव गांव जाकर कोई खेल नहीं दिखाने वाले, बल्कि ये तो उनकी नई फिल्म का नाम है जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज किया गया है। अंग्रेजी में इसे कठपुतली लिखा जा रहा है। पहले इसे मिशन सिंड्रेला नाम से बुलाया जा रहा था। सूर्यवंशी के बाद अक्षय कुमार एक बार फिर से इसमें एक कॉप के रोल में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर के साथ ही कठपुतली की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। यह फिल्म 2018 में आई तमिल फिल्म रत्सासन की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। रत्सासन एक काफी बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसे काफी पसंद किया गया था। इसे तेलुगु में भी रक्षा सुदू नाम से बनाया जा चुका है। तो दोस्तों ट्रेलर में हमें दिखाई देता है कि फिल्म की पूरी कहानी हिमाचल प्रदेश के कसौली नाम के हिल स्टेशन में सेट की गई है और उसी हिल स्टेशन में नए नए पोस्टेड हुए सब इंस्पेक्टर अर्जन सेठी यानी कि अक्षय कुमार का सामना होता है एक सीरियल किलर से जो पहले बच्चों को किडनैप करता है फिर उनकी हत्या कर देता है। इसी किलर की तलाश अक्षय कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सीरियल किलर बहुत शातिर है। उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है, उसे ढूंढने के लिए कोई सुराग भी नहीं मिल रहा, लेकिन जहां जहां वारदात होती है वहां सीरियल किलर लाश के साथ ही एक कठपुतली भी छोड़ के चला जाता है जिसमें होती है एक पहेली। बस उसी पहेली को सुलझाकर ही आप उस तक पहुंच सकते हैं। और इन्हीं सीरियल किलिंग्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए अक्षय कुमार निकल पड़ते हैं एक रोमांचक और खतरनाक रोलर कोस्टर राइड पर। तो क्या अक्षय कुमार उस हत्यारे के दिमाग को पढ़कर उसकी पहचान करके इस केस को सुलझा पाएंगे या नहीं, इसी पर ये पूरी फिल्म बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार के अलावा रकुल प्रीत सिंह और चंद्रचूड़ सिंह भी काफी लंबे समय बाद मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं। इसे प्रोड्यूस किया है जैकी भगनानी ने अपने बैनर पूजा एंटरटेनमेंट के तहत और कुल मिलाकर ये पूरा ट्रेलर अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। हिल स्टेशन के ड्रोन शॉट, साउंड इफेक्ट्स और बाकी का कैमरा वर्क भी बहुत इफेक्टिव है। तो क्या आपने ये ट्रेलर देखा? अगर देखा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ट्रेलर आपको कैसा लगा। और इसी तरह फिल्मों के ट्रेलर और रिलीज से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ENT लाइव और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी जरूर दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।